प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने अतिथि विद्वानों और खिलाड़ियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आकस्मिक अवकाश, स्वैच्छिक अवकाश और ट्रांसफर के साथ आमजनों के हित में कई फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा सरकार की कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को रखा गया था, जिसमें राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों का लंबित 5वां वेतनमान भी शामिल था। कैबिनेट बैठक में इसे हरी झंडी मिल गई है। साथ ही मध्य प्रदेश में पटवारियों को हर महीने 3,000 रुपए एग्री स्टेट सर्वे भत्ता दिया जाएगा। सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों का मासिक मानदेय 37,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही लंबे समय से अटकी श्रम विभाग की संबल खिलाड़ी योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पटवारियों को एग्री स्टेक सर्वे भत्ता दिए जाने का आज कैबिनेट के द्वारा ये महत्वपूर्ण निर्णय पटवारियों से संबंधित लिया गया है। इस पटवारियों की लंबे समय से यह मांग थी और उस मांग में अब उन्हें एग्री स्टेट भत्ता प्रतिमाह 3,000 रुपया अतिरिक्त हल्के का भत्ता, उसमें भी बढ़ोतरी 500 रुपये की है और 500 के स्थान पर 1,000 रुपया उसको भी किया है। ऐसे 4,000 रुपया अतिरिक्त अब पटवारियों को प्रतिमाह अब मिलने लगे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 25,000 और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने आगे बताया कि शिवराज कैबिनेट ने ग्राम कोटवारों के मासिक मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही भूमिहीन कोटवारों को 8,000 रुपए प्रति माह देने का फैसला लिया है, लेकिन इन बदलावों का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनके पास 3 एकड़ तक जमीन होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट जानने के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट कर सकते हैं।